ये पंजाब में क्या हो रहा है, मरकज में क्या हो रहा है? देखिए मरकज में अल्लाह ताला रहम करे, ये जैन कादरी साहब फरमा रहे हैं हमीदुद्दीन सियालवी साहब के साथ कि राणा सनाउल्लाह साहब इस्तीफा भी देंगे और साथ कलमा भी पढ़ेंगे। ओ भाई, राणा सनाउल्लाह साहब को अल्लाह ताला माफ कर कलमा पढ़वा रहे हैं दोबारा। ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं लोग? वो राणा सनाउल्लाह साहब से हजार इख्तलाफ आपको, वो राणा सनाउल्लाह साहब एक मुसलमान है, यानी उनसे फिर कलमा पढ़वाएंगे, फिर कहेंगे कि उनके कान में अजान दो, हम कान में, यानी ये क्या है, ये कैसे लोग हैं? यानी कलमा दोबारा पढ़ा के क्या मतलब उनको, यानी अजीबो गरीब बात ज़ैन कादरी साहब ने की है। और ये पब्लिक में आके नहीं कुछ नहीं कर रहे हम, कुछ नहीं कर रहे हम, यानी कलमा पढ़वाएंगे, यानी क्यों कलमा क्यों पढ़वाएंगे दोबारा? यानी क्या वो, यानी मैं कुछ बात नहीं कहना चाह रही है, कहना वो अल्लाह की पकड़ में आ गए क्योंकि अजीब और गरीब किस्म की हरकत कर रहे हैं। इनको अंदाजा है इस बात का कि कलमा दोबारा पढ़वाने के, अगर पढ़वाया जा रहा है तो इस दरमियान में राणा सनाउल्लाह साहब के साथ क्या मामला हो सकते हैं? इनको अंदाजा है ज़ैन कादरी साहब को या हुक्मरान जमात को, इनको अंदाजा है कि क्या क्या इन्होंने, जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, कि खत्म नबूवत की शिक में तरमीम इन्होंने जानबूझ के की है बाहर के लोगों कहने पे, और वो उसके नतीजे में इनके गले पड़ गए, इनके गले पड़ गए, इनको एहसास ही नहीं है। और एहसास चुके, देखिए आने वाले दिनों में क्योंकि ये इलेक्शन नहीं चाह रहे, अफरा तफरी चाह रहे हैं मुल्क में, इनको अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कैसे होंगे, ये कैसे लोगों में निकलेंगे बाहर। वो 15-16 तो एक वो जो पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब, और 3 तारीख को वो कह रहे हैं कि मैं जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा अगर ये राणा सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं क्यों इस्तीफा दूं? अच्छा इस्तीफा वो देना पड़ेगा उनको आखिर में। मियां नवाज, मैंने कल भी बात की थी ना, मियां नवाज शरीफ साहब उस जैद हामिद साहब को उल्टे भगा दिए बेचारों को। उनके इस्तीफे से जब मामला हल नहीं हुआ तो राणा सनाउल्लाह साहब के इस्तीफे से कैसे हल होगा? इस्तीफे का मसला नहीं है, देखिए इस्तीफे का मतलब ये हुआ कि आपने उनके गले डाल दिया, यानी अब ज़ैद हामिद कैसे मुल्क में रहेंगे मुझे बताएं, उनको उनको आपने गले डाल दिया, अब वो मुल्क से चले गए। यानी अब इसी तरह जो खबरें, अब उसकी इसी तरह से वो अनुषा रहमान साहबा का नाम आ रहा है, फिर वो बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने इच्छा ड्राफ्ट किया, तो उनको अपनी पोजिशन क्लियर करनी चाहिए, मुसफ्फर उन्होंने ड्राफ्ट करके